नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में चल रहे शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ जाने की संभावना जो बड़े समाचार पत्र हैं उनके द्वारा व्यक्त किया गया है, दैनिक भास्कर हुआ, हिंदुस्तान हुआ, उनके हवाले से यह खबर है कि आज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। हालांकि कल जो है यानी कि 16 अक्टूबर को ही पूरा माहौल बन चुका था और देर रात तक बातें की गई थी कि रिजल्ट आएगा, लेकिन हमने कल शाम को ही आपको बताया था कि कल रिजल्ट आने की संभावना न के बराबर है और ऐसा हुआ भी। क्योंकि बताएं, आयोग के जो हमारे सूत्र हैं उनका यही कहना था कि आज रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, आज रिजल्ट देने का कोई संभावना भी नहीं है। और हमने उनसे प्रश्न किया कि क्या अपलोडिंग में यह प्रॉब्लम, ये सब कहे कि रिजल्ट ही नहीं दिया गया तो अपलोडिंग की बातें कहाँ से आ गई। तो आपको बताएं कि आज को लेकर जो है वो हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्र जो हैं उनका ये कहना है कि संभावित रिजल्ट। दैनिक भास्कर में तो हर एक कक्षा के रिजल्ट का डेट भी दिया गया, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। दैनिक भास्कर का ये खबर है कि सभी शिक्षकों के रिजल्ट 3 दिनों में, बीपीएससी 11वीं 12वीं शिक्षकों का रिजल्ट आज, 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अगले 3 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा। बीपीएससी रिजल्ट जारी करने की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। मंगलवार को 11वीं और 12वीं के शिक्षकों का भर्ती परिणाम जारी होगा। 18 अक्टूबर को 9वीं 10वीं के शिक्षकों और प्रारंभिक शिक्षकों का रिजल्ट 19 अक्टूबर को आने की संभावना है। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक रिजल्ट को लेकर आयोग अधिकारियों के अनुसार तीनों श्रेणी का परिणाम तैयार किया जा चुका है। किसी तरह की तकनीकी परेशानी नहीं हो तो उच्च माध्यमिक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिणाम मंगलवार को जारी कर दिए जाएंगे। तो वही आपको हम बता दें कि जो हिंदुस्तान के हवाले से खबर है उसमें दिया गया है, बताएं आपको कि उसमें भी ये बातें कही गई हैं कि आज जो है रिजल्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो दिया हुआ है कि ये तो आंसर की का जो है हेडलाइन दिया गया है, लेकिन इसमें दिया गया है कि रिजल्ट भी मंगलवार को जारी किए जाने की संभावना है। सोमवार की देर रात तक रिजल्ट तैयार करने का काम चलता रहा। सभी चयनित उम्मीदवारों को सीधा जिला आवंटन किया जाएगा। ये बातें जो है वो हिंदुस्तान पेपर में कही गई है। और आपको बताएं कि आज जो है रिजल्ट को लेकर अब जब बड़े समाचार पत्रों के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं तो संभावना पूरी है। और इसके साथ साथ बता दें हम कि कल से जिलों में ज्वाइनिंग को लेकर भी व्यवस्था कर दी गई है, अधिकारी कर्मचारियों की को पदस्थापित कर दिया गया है। तो आशंकाएं थी कि 16 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अंततः 16 अक्टूबर को रिजल्ट जारी नहीं किया गया और 17 अक्टूबर को लेकर जो है आज बातें कही जा रही हैं बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के द्वारा। उनके अपने इनपुट हैं और काफी विश्वस्त होते हैं। तो ऐसे में देखिए आज रिजल्ट आने की प्लस टू के 11वीं 12वीं के पूरे संभावना है। कब तक रिजल्ट जारी होगा इसके बारे में बता दें आपको हम कि हो सकता है कि बीपीएससी के द्वारा कोई पीसी किया जाए या फिर अध्यक्ष महोदय के द्वारा ट्वीट करके बताया जाए कि रिजल्ट जो है वो हमेशा उनका है, कि वो कांग्रेचुलेशन देते हैं तो ट्वीट करके भी बताया जाए। तो देखिए क्या होता है रिजल्ट को लेकर। और बता दें आपको कि कुछ भी अभी जो है एक प्रमाणिक ठोस तौर पर समय नहीं पता चला है कि कब तक ये आएगा। और प्राइमरी लेवल को लेकर भी हम आपको बताएं कि संशय भी बना हुआ है। प्राइमरी के रिजल्ट दैनिक भास्कर के हिसाब से 19 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे शिक्षक हैं जो जानकार हैं उनका कहना है कि प्राइमरी के रिजल्ट में देरी हो सकती है। 20 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतजार आयोग या सरकार, बिहार सरकार जरूर करेगी, क्योंकि उस दिन बहस होना है और संभावना है कि पहले दिन कुछ ना कुछ इंट्रीम ऑर्डर भी कम से कम बेंच के द्वारा दे दिया जाए या फिर स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाए। कि स्थिति पहले दिन के बहस में स्पष्ट हो जाती है कि आगे क्या होने वाला है, तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से और जो जानकार है उनका कहना है कि उसी के हिसाब से सरकार और आयोग रिजल्ट देने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यानी कहा जाए तो 20 अक्टूबर तक प्राइमरी लेवल के रिजल्ट के चांस जो है वो बहुत कम है। तो देखिए आज जो है वो संभावित है रिजल्ट 11वीं 12वीं के। जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल
इस वीडियो में इतना ही, और सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको लगातार शिक्षा से संबंधित और शिक्षक भर्ती से संबंधित सबसे सटीक खबर देते आए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।